दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सचेंजर के मतलब है। ठीक है, तो एक्सचेंजर के मतलब हम डिस्कस करेंगे और आपको इसके बारे में सारी मालूम देंगे, तो ताकि आप लोग इंटरव्यू में इंटरव्यू के लिए भर सकें। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो आपसे पूछेगा कि एक्सचेंजर क्या है। आपने बताना है किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम एक्सचेंजर का इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन करेगा इंटरव्यू में, एक्सचेंजर की कितनी टाइप्स हैं। आपने बताना फोर टाइप्स एक्सचेंजर, आई टाइप एक्सचेंजर, यू टाइप एक्सचेंजर, प्ले टाइप एक्सचेंजर एंड फिन पैन एक्सचेंजर। ठीक हो गया। अब हम इसे यू टाइप एक्सचेंजर क्यों कहते हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यू टाइप एक्सचेंजर। ठीक हो गया। ये देखें इसकी जो शेप है, यहां से देखकर यहां तक ये सारा जो है ये यू टाइप है। यू की शेप में इंग्लिश का और यू से मिलती है, इसी वजह से हम इसे यू टाइप एक्सचेंजर कहते हैं। ये इसका चैनल हेड है। अब ये वाला जो हिस्सा है, आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन करेगा पांच से छह चीजों के नाम, एक्सचेंजर के पार्ट्स के नाम बताएं। ओके, आपने बताना है ट्यूब शीट, ये डायोड है, ये बैफल प्लेट है, ये हमने ये मेंशन किया हुआ है। ये देखिए ये बैफल प्लेट, ये हमने मेंशन की हुई है। अब उसके बाद आई ये डायोड, ये डायोड होते हैं। ठीक है जी, इसका फंक्शन क्या है, ये जब हम एक्सचेंजर के पूरे बंडल को ये कवर करती है, तो ये बैफल प्लेट का फंक्शन क्या है, जब पानी या कोई भी लिक्विड इसमें इंटर होता है तो इसके साथ ऐसे टकरा कर आपको होता है, फिर डोन, फिर आपको फिर डोन, इस तरह पानी ठहर ठहर के गुजरता है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज सीधी से गुजारेंगे तो वो सीधी गुजर जाएगी, जिससे क्या है उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमने बबल प्लेट लगाई है, ताकि जो है ना इसका जो टेम्परेचर है वो पानी जो है इसमें से स्लो होकर गुजरे, कोई भी लिक्विड है तो इसमें से स्लोली स्लोली गुजरेगा, तो इसे क्या है यानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता जाएगा। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा पार्ट्स के नाम बताएं, आप बताएंगे चैनल हेड, ट्यूब शीट, बैफल सॉरी डायरॉड, बैफल प्लेट, ये वाली ट्यूब होगी। ठीक है, मुकम्मल को हम ट्यूब बंडल बोलेंगे। ठीक है, और ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे शेल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे शेल। ये देखिए हमने तीन का निशान दिया, ये शेल है, इसको अलहदा को अकेली को ट्यूब बोल दिया। अब ये वाला हमने स्पेसर बनाया है। स्पेसर क्यों लगाए जाते हैं, ये दो बैफल प्लेटों का जो डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि उसका जो फासला आता है इसको बराबर रखने के लिए जो है वो स्पेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब शेल का इनलेट ये है और इसका आउटलेट ये है, ऐसा इसे मुराद शेल इनलेट, ऐसा उसे मुराद शेल आउटलेट। अब ये ट्यूब का है टी है। ठीक है, टी से मुराद ट्यूब, आई से मुराद इनलेट। अब यहां पर आ जाए ट्यूब का आउटलेट। ठीक हो गया, ये हमारा एक्सचेंजर है, यू टाइप एक्सचेंजर। इसका फंक्शन क्या है, किसी भी चीज का टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी घर में पीते हैं तो वो ठंडा नहीं होता, गर्म होता है, उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम उसमें बर्फ का इन्वॉल्व करते हैं, ताकि पानी का टेम्परेचर चेंज हो और हम उसे पी लें। ऐसे ही है, इसी तरह इसका भी फंक्शन यही है। अगर पुराना खासा हो जो कोई भी लिक्विड है तो ट्यूब के अंदर गर्म ही रहेगा तो शेल में ठंडा होगा, शेल में गर्म होगा तो ट्यूब में ठंडा होगा, अगर वो ठंडा नहीं होगा तो गर्म ही गुजारते रहेंगे। तो ये ट्यूब्स जो होती हैं इनका एक टेम्परेचर होता है, उसके बाद ये मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होने से मुराद क्या है, ये पिघल जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ज्यादा गर्म पानी आपके हाथ के ऊपर गिरे तो जल जाएगा ना जी। इसी तरह इसकी भी एक टेम्परेचर की लिमिट होती है, जब उसको क्रॉस करती है तो ये चीजें जो है वो मेल्ट होती हैं, पिघल जाती हैं, इसीलिए हम इसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, आपसे इंटरव्यू में और क्वेश्चन भी करेगा कि आपने प्रीपरेशन क्या होती है, प्रीपरेशन क्यों करते हैं। आपने कहना है शट डाउन करने से पहले हम जो है इसकी प्रीपरेशन करते हैं, ताकि जैसे हम प्लांट शट डाउन करें तो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, काम को जल्द से जल्द जो है वो हम कंप्लीट कर सकें। ये आ गया पी एंड आई डी, इसका मतलब है प्लांट आइडेंटिफिकेशन ड्राइंग। उसके बाद ये चीजें हमने थोड़ी सी लिखी हुई है, ये नंबर वन पे आप ब्लेंड, ब्लेंड का अरेंजमेंट करेंगे, गैस्केट का अरेंजमेंट करेंगे, हाउस पाइप का अरेंजमेंट करेंगे, इजेक्टर का अरेंजमेंट करेंगे, हेडर का अरेंजमेंट करेंगे, टूल्स इसका जो है वो भी उधर अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, हाउस पाइप हो गया, उसके बाद स्टड, स्टड भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बैपचेक, बैपचेक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा एक्सचेंजर की ओपनिंग कैसे करेंगे। आप बोलेंगे अल्टरनेट ओपनिंग, अल्टरनेट ओपनिंग किसे कहते हैं, एक नट को खोल लेंगे
एक को छोड़ देंगे, फिर एक खोलेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, उसके बाद ये प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, उसके बाद दूसरी जो है वो साइडें जो है जो हमने नट छोड़े थे उनको ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने इसके ऊपर मार्किंग करनी होती है, मार्किंग करने के बाद फिर हमने इसको खोलना, ठीक है जी। जैसे जब हमको परमिट मिलेगा, परमिट के बाद जाके फिर हम इसको खोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद अल्टरनेटिव ओपनिंग की जाती है। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये इंटरव्यू में करेगा, जब कोई बंदा सुपरवाइजर का इंटरव्यू देने जाता है, कभी पेट्रोल से भी किया जाता है, फैब्रिकेटर से भी किया जाता है, कि जो एक्सचेंजर है उसमें कितने आई बोल्ट लगते हैं। आई बोल्ट, आई बोल्ट क्या होता है, हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये हम तस्वीर लगाएंगे इंशाल्लाह आई बोल्ट की, आपको समझ आ जाएगी। ये आई बोल्ट है, आई बोल्ट क्यों लगाया जाता है, ये एक्सचेंजर के बटन को बाहर रिमूव करने के लिए हम आई बोल्ट लगाते हैं। जब हम इसका चैनल मूव करेंगे तब हमें पता चलेगा दो आई बोल्ट लगे हैं, चार लगे हैं, ये एक्सचेंजर की वो प्लास्टिक में आपको बताया ये एक्सचेंजर कितना बड़ा है, उसी हिसाब से आई बोल्ट लगते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा एक्सचेंजर का बंडल जो है वो बाहर हम कैसे रिमूव करेंगे, बाहर कैसे निकालेंगे, आप बताएंगे कि जो है ना चैन ब्लॉक से हम उसको बाहर निकालते हैं। अब वो कहता है हम चैन ब्लॉक से हम निकाल ही नहीं सकते, बंडल बहुत बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे, आप बताएंगे बंडल कूलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। बंडल कूलर से हम इसको बाहर निकालेंगे एक्सचेंजर का। आपने एक्सचेंजर पर क्या काम किया, अगला क्वेश्चन ये है, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सबसे पहले मेरा क्वेश्चन लिखिए रजिस्टर के ऊपर, उसके बाद इसका आंसर लिखिए ताकि आपको भूले नहीं, ठीक है, इस तरह आपको चीजें फिर याद रहेंगी। हमने एक्सचेंजर के ऊपर क्या काम किया, हम एक्सचेंजर को ओपन करते हैं, उसके बाद इसकी हाइड्रोजेटिंग की जाती है, हाइड्रोजेटिंग करने के बाद इसकी क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद इसकी हाइड्रो टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद इसका बक्सअप किया जाता है। अब इसके तीन टेस्ट होते हैं, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा एक्सचेंजर के कितने टेस्ट होते हैं, आपने बताना तीन। नंबर वन पे कौन सा, ट्यूब टेस्ट, शेल टेस्ट और फाइनल टेस्ट। फाइनल टेस्ट को शेल टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक हो गया। अब शेल टेस्ट क्यों करवाया जाता है या फाइनल टेस्ट क्यों करवाया जाता है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके मुताबिक जो है ये हम इसका हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी बातें समझ आ गई होगी, अगर किसी बंदे को कंफ्यूजन हो या कोई हमारी रहनुमाई करना चाहता है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें।